खबर उन्नाव से है, जहां चौथे चरण में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा आज बीजेपी के प्रत्याशी सांसद साक्षी महाराज के नामांकन से पहले रामलीला मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने मंच और जनसभा में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही संबोधन के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि जब सपा की सरकार थी तो स्कूलों में तबेले खोलने की नौबत आ गई थी। आज हर किसान के खाते में 6,000 रुपए देने का काम भाजपा सरकार कर रही है और गुंडे जेल में है। साक्षी महाराज उन्नाव से लगातार 2 बार से सांसद हैं और बीजेपी ने 3री बार मैदान में उतारा है। आज नामांकन को लेकर उनके समर्थन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे और जनता से अपील की है कि साक्षी महाराज को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्नाव लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी साक्षी महाराज जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रहे हैं। यहाँ विपक्षी गठबंधन लड़ाई में ही नहीं है, सभी प्रत्याशियों के जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। महाराज जी आज आपने नामांकन किया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं करती है, राष्ट्र के लिए राजनीति करती है। राष्ट्र बलवान हो, मोदी जी ने संकल्प लिया है भारत को विकसित करने का, ये भारत विकसित हो, और जब भारत विकसित होगा तो जितनी भी जन समस्याएँ हैं हिंदुस्तान भर की, केवल उन्नाव की नहीं, उन सारी जन समस्याओं का समाधान होगा। तो विकसित भारत के संकल्प को लेकर मैंने आज नामांकन किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।